हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कब से आप लोग देखना चाह रहे थे, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे और कब और कैसे होगी, आप उनको मिलोगे कैसे और आपकी शादी कैसे होगी, लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी होगी, उनके बारे में आपको जानने की क्या ज़रूरत है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ही और शी वो कैसे होंगे, आपको कैसे ट्रीट करेंगे और शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, सारी डिटेल आपकी रिलेशनशिप की, आपकी शादी की और किस तरह आप उनको मिलेंगे और पॉसिबिलिटी कब आपकी शादी हो सकती है, कब आप उनको मिल सकते हो, ये भी। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वो आपके साथ अगर रेजोनेट्स करे तो वो आपके लिए है, अगर नहीं लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करना है। मैं यहाँ पर ना कोई नंबर रख रही हूँ, ना इनिशियल्स हैं, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ नहीं। आप अपने इंट्यूशन को यहाँ पे यूज़ करते हुए इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये मैसेज आपके लिए है। वीडियो को आप पास कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और रिलैक्स होके ब्रीथ करके डीप ब्रीथिंग करें, ठीक है, टाइम लें, उसके बाद सिलेक्ट करें कार्ड को कि किस चीज़ की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, कौन से कार्ड की तरफ। कार्ड नंबर वन मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर है सोलमेट्स का कार्ड, ये है कार्ड नंबर वन। और कार्ड नंबर टू है यहाँ पर लॉयल हार्ट, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट कर लेना है वन और टू और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग में। आपने वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त ही देख सकें और कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें, ठीक है। आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब और फीडबैक अपना ज़रूर देना है कि रीडिंग कैसी लगी और आपके साथ मैच हुई और क्या वाकई आप इस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आपने क्लेम करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो जी, पाइल नंबर वन, जिन्होंने सोलमेट्स वाला कार्ड चूज़ किया, तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे, कब और कहाँ होगी, ठीक है, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे सोलमेट्स है और यहाँ पे लॉक एंड की है, तो लॉक एंड की से इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ हो सकती है कुछ। आप इस इंसान का हार्ट ओपन करेंगे या ये इंसान आपका हार्ट ओपन करेगा। और यहाँ पे जब पेंजुअन की जो लव स्टोरी होती है उसका ये होता है कि ये जो पार्टनर है वो एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आता है। तो पेंजुअन जो है वो अपने पार्टनर को जब चूज़ करते हैं तो वो एक ही लाइफ पार्टनर होता है, एक ही लाइफ टाइम में। तो आप डेफिनेटली ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो सिर्फ आपके लिए बना है, और इस इंसान को भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनके लिए बना है। तो आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी रोमांटिक हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे रोज़ नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये लव मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और आप स्पिरिचुअली गाइडेड होंगे एक दूसरे की लाइफ में। वैसे तो हर रिश्ता ही ऊपर वाले ने बनाया है, किस्मत में लिखा होता है, डेस्टिन होता है, लेकिन आप दोनों का मिलना जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिवाइन होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सारी ज़िंदगी इन्हीं की तलाश थी और उनको लगेगा कि आप ही उन्हीं के पार्टनर थे और आपका इंतज़ार था उनका। तो अब देख लेते हैं ओरेकल्स कार्ड से क्या एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, किससे होगी आपकी शादी। तो पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले कार्ड निकालूंगी क्योंकि आप लोग लाइव देखना चाहते हैं कार्ड, तो इसलिए, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और टेंपल पाथ, और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस डेक से आपके लिए क्या निकलता है। यहाँ पे है हमारे पास रीजनरेशन, ठीक है जी। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या निकलता है इस वाले ओरेकल्स कार्ड से, अब देख लेती हूँ मैं, क्योंकि ये आपको फिर बताएंगे कि क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे है रिग्रेट और रिप्रेशन, वी हैव अ रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, यहाँ पे है एक्शन, करेज, जुपिटर, बिगनिंग्स, यहाँ पे है मैसेजेस, ड्रीम्स, फिर हमारे पास सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस, यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर कमिटमेंट्स एंड सैटर्न। सैटर्न और जुपिटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एक चीज़ आपके यहाँ पे इस पाइल में मुझे नज़र आ रही है, जुपिटर और सैटर्न। आपको पता है कि जुपिटर इज़ द हस्बैंड इन अ वुमन चार्ट एस्ट्रोलॉजिकली, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। जो जुपिटर का जो प्लैनेट है वो जो फीमेल है, फीमेल के चार्ट में हस्बैंड की रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप मेल हैं, आप मतलब मेल देख रहे हैं और आप वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस इंसान के लिए वन एंड ओनली पार्टनर होंगे, ठीक है। तो आपकी इनसे शादी होगी डेफिनेटली, हम यही चीज़ देख रहे हैं कि कब और कैसे इस इंसान से शादी होगी। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे सैटर्न की वजह से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी शादी डिले हो सकती है, ठीक है, मतलब आपकी शादी लेट 30s या आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू जो आपके पेयर्स हैं, इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं या फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनमें आपकी शादी थोड़ी सी लेट हो सकती है, ठीक है। जब आपके आप हो सकता है पहले अपने कैरियर पे फोकस होंगे, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी ला रहे होंगे, आपने जॉब कर रहे होंगे, या आपकी स्टडी में आपको टाइम लग जाएगा, शायद आप पढ़ रहे बहुत रहे होंगे या एजुकेशन में होंगे या आप वर्क कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिले होगी मैरिज,
ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप जब इस इंसान को मिलेंगे, या तो आपके पार्टनर इस डीप रिग्रेट या रिफ्लेक्शन में होंगे अपनी लाइफ में, एक अपनी लाइफ को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर रहे होंगे विद दिस रीजनरेशन। उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल कम्प्लीटली, हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट फेज से होके वो आए होंगे, या कुछ छोड़ा होगा उन्होंने अपनी लाइफ में, या इवन उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया था, उनको लगा था कि वो कभी भी दोबारा से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी इस में, हो सकता है वो डिप्रेशन से फाइट कर रहे हो, उनको लगा था कि वो कभी भी इस डिप्रेशन से नहीं निकल पाएंगे, या जब आप उनको मिलेंगे तो हो सकता है वो इस तरह की अपने अंदर चेंजेस ला रहे होंगे। तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल उस वक्त जर्नी चल रही होगी, या ये भी हो सकता है आपके आने से इस इंसान की पूरी लाइफ पलट जाएगी, क्योंकि आप इनको एक स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आएंगे, एक हीलिंग पाथ पे लेके आएंगे, जो उन्होंने कभी पहले नहीं सोचा था कि वो इस तरह का कनेक्शन कभी किसी के साथ फील करेंगे। स्पेशली अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इस इंसान के साथ। हो सकता है ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी, लेकिन उससे पहले आप दोनों बहुत ही टफ साइकिल से गुजरेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरेंगे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ ही इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में होंगे, या आप दोनों कोई ना कोई ऐसा लेसन सीख ले होंगे जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सैटर्न है यहाँ, तो ये कनेक्शन बहुत, आप दोनों ने बहुत ही डिफ़िकल्ट लेसन सीखे होंगे रिलेशनशिप्स में, या पास्ट में, कैरियर में, फैमिली में, टॉक्सिसिटी, आप किसी न किसी डेफिनेटली डिफरेंट ऐसी सिचुएशन से निकले होंगे दोनों ही। आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस इंसान को मिरर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है रिफ्लेक्शन मिरर है यहाँ पे, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को मिरर करोगे। आपको लगेगा कि आपकी हिस्ट्री सेम है, इन्होंने भी बहुत दुख देखा है, मैंने भी बहुत दुख देखा, हम लोग सेम मतलब सिचुएशन से गुजरे हैं, कोई रिग्रेट हो सकता है पास से, चीज़ों को गलत किया, गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया चीज़ों को, हो सकता है ये इंसान किसी ऐसे गलत कामों में पड़ गए, या उन्होंने कुछ एडिक्शन थी, उनकी ऑब्सेशन थे, गलतियां कर बैठे वो, ये भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप अंदर चेंज लेके आएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि यू आर द हस्बैंड एंड वाइफ और सोलमेट, यहाँ पे तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप दोनों के मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ बिल्कुल पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब रिग्रेट और डिप्रेशन आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रहा है, इस इंसान को डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, इस इंसान को कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, या जो उनको ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो काफ़ी ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, मैं नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है इनकी एज 30, 40, even 50 भी हो सकती है आप लोगों के लिए, या इन लोगों के लिए आपकी एज हो सकती है, ठीक है, कि मतलब इतनी एज हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई, लोग हो सकता है काफ़ी इनको लेट डाउन करें, इनके ऊपर बात करें, इनके करेक्टर पे, इनकी रिलेशनशिप पे, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपकी सेकंड मैरिज है, या इस इंसान की सेकंड मैरिज है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, ओके, आपने पर्सनली नहीं लेना इन चीज़ों को। अगर आपके साथ रेजोनेट्स हो रहा है, ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोगों की डिवोर्स हो चुकी होती है, वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे लिए भी मैडम रीडिंग करें, मैम रीडिंग करें, तो आप, हो सकता है आप किसी सेपरेशन से गुजरे हैं, किसी बहुत ही टफ मरले से गुजरे हैं, डिवोर्स से गुजरे हैं, सेपरेशन से गुजरे हैं, आपने किसी को खोया है, आपने किसी सिचुएशन से अब गुजरे हैं, मंगनियाँ टूटी हैं, या आपका कहीं रिश्ता हुआ फिर बात नहीं हुई, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी, या उसके बाद ये जब इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगी। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से यहाँ पे लाइन नज़र आ रहा है, लाइन स्पिरिट होगा उनके अंदर, प्रोटेक्टिव, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी पोजेसिव, कंट्रोलिंग इन द सेंस कि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर एक फाइटर स्पिरिट होगा, वॉरियर स्पिरिट, दैट अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, तो वो कहेंगे दिस इज़ माइन, शी इज़ माई वाइफ, मतलब आपको आपको प्रोटेक्ट करना इस इंसान को लगेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो मैस्कुलिन हो सकते हैं। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है वो लियो हैं, यहाँ पे जुपिटर है, तो हो सकता है सैजिटेरियस हैं, या पाइसिस हो सकते हैं, सैटर्न है तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, हैवी है यहाँ पे। आपका जुपिटर और सैटर्न भी इस इंसान के साथ कंजंक्ट कर सकता है, या सन, और यहाँ पे सन की एनर्जी, जुपिटर और कैप्रिकॉन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी पावरफुल है, इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, या वो काफ़ी टफ सिचुएशन से निकल के आए होंगे और लीडर बनेंगे एक दिन, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बिजनेसमैन या वुमेन बनेंगे, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, एक फाइटर होंगे, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया होगा, ठीक है, आपको नज़र आएगा कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, चाहे जैसे भी हालात रहे हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया, तो ठीक है। आप लोग फिर इस तरह से, मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, हो सकता है ये वो इंसान भी है जिसने गलती कर दी, ठीक है, आपको पहचानने में, उनको लगा कि आप
आप कुछ और ही वजह से उनके पास आना चाहते हो, तो हो सकता है कि जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है ये इंसान, तो उनको लगता है कि आप उनके पास जो है पैसों के लिए आ रहे हो, आप उनके पास उनकी ब्यूटी को लेके आ रहे हो, क्योंकि ये इस इंसान की अपनी प्रोजेक्शन थी, इनसिक्योरिटी थी जो उन्होंने आप पे पुट की, ठीक है। तो फिर आप दोनों के दरमियान में अगर सेपरेशन हुई होगी या ब्रेकअप हुआ होगा, तो चांसेस हैं कि अगर ये सोलमेट कनेक्शन है आपका जिनके साथ आपकी शादी होगी, चांसेस हैं कि आप उनको वो आपके पास फिर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली आप नहीं जानते कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप नहीं मिले हैं, कोई आपका सोलमेट नहीं है, या आप अभी किसी ऐसे कनेक्शन से नहीं मिले हैं, तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आपके जो पार्टनर हैं और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, आपकी हिस्ट्री जो सेम रही होगी कहीं ना कहीं लाइफ में, और ये इंसान आपको बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे, आपको लेके पोजेसिव होंगे, और यहाँ पे मैसेजेस और ड्रीम्स है, तो आप पहले इस इंसान को अपने ड्रीम्स में देखोगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे ड्रीम्स के थ्रू, गाइड्स के थ्रू, आपके स्पिरिट गाइड, एंजल्स, एंसेस्टर्स, ऊपर वाला आपको दिखाएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके आपके वो लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे दिस इज़ योर पर्सन, ये आपका पर्सन है और आपको उसकी तरफ लेके जाया जाएगा। मुझे लगता है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आप दोनों को कोई अलहदा नहीं कर सकेगा एक दूसरे के बाद, एक दूसरे को जब आप मिल लेंगे या शादी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आएंगे फॉर अ रीज़न, लेकिन ये इजी नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है शुरू में आपको स्ट्रगल होगी या इस इंसान को स्ट्रगल होगी, या जो जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो बात करेगी, शायद एज का डिफरेंस होगा या स्टेटस का डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जैसे लोग इस रिलेशनशिप को ऊपर बात करेंगे, इस रिलेशनशिप को नहीं होने देंगे। हो सकता है इस इंसान को डर हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बात करेंगे, या आपको खौफ हो सकता है, डर हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन आपका ऑब्वियसली इस इंसान के साथ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है आप करियर के थ्रू इस इंसान को मिले या शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है जुपिटर आप दोनों के दरमियान में जो है ना वो आप लोग सक्सेसफुल चीज़ें अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल के काम करेंगे। नाउ एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद जुपिटर सैटर्न और सन, तो हो सकता है ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो लेकिन दिखते छोटा होंगे, मतलब यंग दिखते होंगे, ठीक है, बाय फेस या उनकी एनर्जी काफ़ी यंग होगी, या ये एनर्जी होगी कि वो आपसे यंग होंगे लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत होगा, उन्होंने बहुत कुछ देखा है टफ, तो उनकी जो सोल है वो काफ़ी मैच्योर होगी। लेकिन यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न है, ये वो इंसान है जो आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं आपका साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगे, सक्सेस लेके आएंगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेके आएंगे, करेज, इस इंसान के अंदर आपकी वजह से हिम्मत आएगी कि चेंज लाना है अपनी लाइफ में, अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर सेलिब्रेशन है, तो डेफिनेटली ये सेलिब्रेशन शादी की सेलिब्रेशन है, आप दोनों के दरमियान में शादी होगी, अबंडेंस होगी, आप लोग एक दूसरे, इस इंसान की लव लैंग्वेज गिफ्ट्स हो सकता है, वो आपको गिफ्ट्स दें, ठीक है, गिफ्ट्स दें, आपको डेट्स पे लेके जाएंगे, और स्पिरिचुअल आप डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टिव और पोजेसिव होंगे। अब देख लेते हैं कि आप इनको कैसे मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कैरियर के थ्रू मिल सकते हैं आप इनको, या कोई स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल जर्नी या किसी इवेंट पे आप इनको मिल सकते हैं, ठीक है, फेस्टिवल पे, लेकिन हम देख लेते हैं आप इनको कैसे मिलोगे टैरोट कार्ड से, आप देखेंगे हम, यस, टावर एंड नाइन ऑफ कप्स, मैंने आपसे कहा है आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है अनएक्सपेक्टेड, सडन, शॉकिंग, सरप्राइज, या आपकी आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, या इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, टावर बहुत शॉकिंग होगा, सडन अचानक से कहीं मुलाकात होगी, एरीज या स्कॉर्पियो है यहाँ पे, आप इस इंसान को कहीं ऐसी जगह पे भी मिल सकते हो जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी प्लेसेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, रोड्स प्लेसेस, मतलब इस तरह किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा या ऐसी जगह पे भी आप इनको मिल सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स, आप इस इंसान को जब मिलेंगे विद द नाइन ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली मतलब ये भी हो सकता है कि इस इंसान का रिश्ता आपके घर आए और आप डेफिनेटली अचानक से ही बात तय हो जाएगी, क्योंकि आप इनको लाइक करोगे, आप इनको पसंद आ जाओगे, या आप इनको पसंद करोगे क्योंकि आपकी मर्ज़ी से होगा, अचानक से ही, अचानक ही, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मैंने जैसे कहा कन्फेशन भी हो सकता है किसी की तरफ से, अचानक से ही आप सडन सरप्राइज हो जाओगे कि ये इंसान आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है और आपके घर प्रपोजल भेजना चाहता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो सडन होगी, अचानक होगी, शॉकिंग होगी, इसमें सरप्राइज होगा, लेकिन अच्छा सरप्राइज है क्योंकि इसके बाद सेलिब्रेशन होगी।
अब मुझे ये भी चीज़ में नज़र आ रही है, या तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ब्रोकन चल रहा होगा और ये इंसान आपकी लाइफ में खुशी लेके आएगा, या आप इस इंसान की लाइफ में एक खुशी बन के आओगे क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत, मैंने जैसे कहा, डिफ़िकल्टी चल रही होगी। तो वो शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि आप उनकी लाइफ में आ गए हो। कैसे? यू नो, तो हो सकता है ये इंसान एरीज या स्कॉर्पियो है, या वाटर साइन, या आप, और कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को डेफिनेटली नवंबर दिसंबर में मिलेंगे, या सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि शादी आपकी कब होगी, किस ईयर में होगी या कब तक होगी, ये देख लेते हैं आप टैरोट से। नाइट ऑफ सोर्स, कुछ लोगों के लिए अचानक ही आपकी शादी जब भी होगी अचानक होगी, जल्दी से बात होगी, जल्दी से रिश्ता, यू नो, जल्दी से बात पक्की हो जाएगी, डायरेक्ट शादी हो सकती है। फाइव ऑफ वांड्स, यस, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि नेक्स्ट फाइव मंथ्स के अंदर या वीक्स के अंदर ये रिश्ता हो सकता है या आ सकता है आपके पास। जब भी होगा अचानक होगा, लेकिन जब भी आपकी शादी इस इंसान से होगी ये इजी कंफर्टेबल नहीं होगा। मैंने आपसे कहा बहुत लड़ाइयाँ, झगड़े, टेंशन या स्ट्रेस होगा, मतलब कंपटीशन हो सकता है, मतलब इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है तो उनको डेफिनेटली कम्पीट करना है सबको और आपको ही पाना है, या आपको लगेगा कि इनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल चल रही है तो वो रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी अचानक होगी क्योंकि हो सकता है वो अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन आपकी शादी अचानक ही होगी, जल्दी होगी, क्योंकि हो सकता है जब इतनी तमाशे, लड़ाइयाँ, झगड़े या कंपटीशन हो रहा होगा तो ये इंसान जल्दी आपसे शादी करना चाहेगा, या आप चाहोगे कि जल्दी से शादी हो जाए, हम दोनों की, यू नो, बात जल्दी से हो जाए ताकि और लोग इंटरफेरेंस ना कर सकें। ठीक है, अब और कोई चीज़, इस इंसान के लेटर्स देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक टैरोट से सब कुछ हो गया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी उस इंसान की पर्सनालिटी बता दी है। नहीं, अब हम आपका रोमांस देख लेते हैं कि आपका जो रोमांस है वो कैसा होगा, और फिर मैं आपको यहाँ पे उनके इनिशियल्स दूंगी। हाँ जी, रोमांस से देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा होगा शादी के बाद या शादी से पहले, क्या रिलेशनशिप होगा। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यस, मैंने आपसे पहले बोला है इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, या हो सकता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करें। ठीक है, और उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा ऑलरेडी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। तो और यहाँ पे है रेंडेवस, आई अ प्राइवेट गेट अवे फॉर टू इज़ कॉलिंग यू। यस, मुझे लगता है कि आप दोनों की जो लाइफ होगी वो काफ़ी प्राइवेट होगी, आप इसको प्राइवेट रखोगे क्योंकि यहाँ पे ड्रामा बहुत है, इन्वॉल्वमेंट या तो आपकी फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से, या उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से वो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आपके साथ एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करें, कोशिश किया करेंगे कि अपने उस डिफ़िकल्ट टाइम से आपके लिए टाइम निकाल के आपके पास आएं। हो सकता है इस इंसान का जो प्रोफेशन है, जो जॉब है, वो काफ़ी फिज़िकल वहाँ पे उनको होना ज़रूरी है, लेट्स से आर्मी है, मिलिट्री है, पुलिस है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, टीचर हैं, तो फिज़िकली इस इंसान की जो जॉब होगी वो काफ़ी टफ होगी, उनको वहाँ पे होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जैसे प्रोफेशनल, जैसे मिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, इस तरह की उनकी जॉब हो सकती है जिसमें इस इंसान का होना ज़रूरी है। इवन ये इंसान के सेवियर हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, यू नो, जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे बचाया जाता है, यू नो, सेविंग एनर्जीज में, जैसे इमरजेंसीज की जो जॉब होती हैं वहाँ पे हो सकता है ये इंसान। तो इस इंसान को हमेशा मतलब अवेलेबल होना चाहिए जॉब पे, ड्यूटी पे, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आप दोनों के दरमियान में जो लाइफ होगी वो काफ़ी प्राइवेट होगी और आप काफ़ी प्राइवेट टाइम स्पेंड करेंगे। शादी के बाद भी मुझे लगता है शादी से मिलने से पहले भी, शादी होने से पहले भी आपका एक प्राइवेट टाइम आएगा, आप पहले एक दूसरे को मिलेंगे, उसके बाद आप डिस्कशन करेंगे, ये हो सकता है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ रिकेंडल, एन ओल्ड फ्लेम रीयूनाइट। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कुछ ओल्ड, मैंने आपसे कहा जो टावर भी है यहाँ पर, रीजनरेशन है, कोई ऐसा इंसान है जिसको रिग्रेट होगा और वो आपके पास वापस आएगा रिकैंडल करने, आपके साथ रिलेशनशिप में आने, शादी करने, और ये इंसान आपको प्रूव करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा और आपको प्रूव करेगा, तो रिकैंडल हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, जब आप इस इंसान को मिलोगे तो आपको लगेगा कि आपको, मैंने जैसे कहा कि इस इंसान की ही तलाश थी, हो सकता है ये इंसान और आपके दरमियान में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है।
और यहाँ पे है बेनिफिट ऑफ द डाउट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. या मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान को चांस देना चाहिए क्योंकि वो आपको प्रूव करेंगे. लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या किसी और को आपके ऊपर चुना था या चूज़ किया था, किसी और की सुनी, किसी और की बातों में आ गए, ड्रामा हो गया. या शुरू में हो सकता है जब शादी होने से पहले वो किसी की बातों में आएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो शादी में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएगी. लेकिन वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप उनको चांस दें, आपको प्रूव करेंगे कि वो चेंज हो गए हैं या अब आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रेडी हैं. और हमारे पास है मैग्नेटिज्म, या मुझे लगता है कि कनेक्शन ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे. आप इनको यस बोलोगे, वो आपको यस बोलेंगे, और शादी के बाद भी आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि कोई मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान में आ पाएगा. कोशिशें बहुत करेंगे लोग और ड्रामा भी होगा. ओपन योर हार्ट, तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान होगा, शायद आप किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हो तो ये इंसान डेफिनेटली कोशिश करेगा कि मुझे चांस दो, अपने हार्ट को ओपन करो मेरे लिए. तो हो सकता है आप इस इंसान को चांस ना दें क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है. ये वो इंसान है जो वापस आएगा, पूरी कोशिश करेगा, लड़ाई करेगा, कंपटीशन करेगा कि मुझे हर हाल में मतलब आपसे ही शादी करनी है. तो ये इंसान कोशिश करेगा कि आप दोबारा अपना हार्ट ओपन करो. या इस ये इंसान आपका हार्ट अगर क्लोज होगा तो बहुत कोशिश, आप बहुत शायद कोशिश करें इस इंसान का हार्ट ओपन करने के लिए, क्योंकि इस इंसान को हो सकता है इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही होगी. लेकिन आप इस इंसान का हार्ट, मैंने जैसे कहा, ओपन करोगे, की आपके पास होगी इस इंसान के हार्ट की. तो अब देख लेते हैं कि इस इंसान के लेटर्स क्या हैं ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए इस इंसान का. ओके, तो लेटर्स से भी कोई वर्ड्स आ जाएंगे तो वो आपके लिए कन्फर्मेशन हो जाएगा, या कोई प्लेस आ जाएगी, कोई नेम, कुछ भी. ठीक है, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है जी, एम जी, जी एम, तो बी, बी एम, बी एम डब्ल्यू. ओ, तो दिस पर्सन इज़ रिच एंड वेल्थी. यस, हो सकता है. बू, तो मोबाइल, तो हो सकता है आप शायद मोबाइल पे मिलें. 40, डी फोर, वी, एम वी, या बॉयफ्रेंड. सब कुछ लोगों के लिए आपका बॉयफ्रेंड होगा, और कुछ लोगों के लिए आप एफ बी पे मिलेंगे. ये भी हो सकता है, शायद आप फेसबुक पे मिलें. ये भी हो सकता है इंटरनेट पे कहीं. यहाँ पे वी ओ पी एन, VPN, H, he, L, T, TV, vote, E, लेट. सो कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि ये बहुत लेट है. यस, मैंने आपसे कहा लेट शादी हो सकती है आपकी. अर्थ साइन हो सकता है ये इंसान, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. E, dad, dead. L, lie, light, lighter. बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको खुद अभी आप बना. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. यहाँ पे AM है, या तो हो सकता है AM, गुड मॉर्निंग, मतलब आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस हो सकता है. जहाँ पे भी आप एक दूसरे से मतलब डिफरेंट प्लेसेस, सिटीज़ या इवन कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं. A, लेकिन आपका कनेक्शन काफ़ी गाया है यहाँ पे, लग रहा है कि ऐसा काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, सोलमेट टाइप ऑफ. ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, लेकिन आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा. शायद आपको किसी को पीछे लेट गो करना पड़ेगा या अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा, और ये चेंजेस जो हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होंगी आपके लिए, या आप दोनों के लिए अनकंफर्टेबल होगा बहुत सारी चीज़ें. या आप ऐसे इंसान के साथ शादी करोगे जो आउट ऑफ कास्ट होगा या आपसे डिफरेंट होगा, तो लेकिन आपको वहाँ पर एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी लगेगी. ये भी हो सकता है. डेट, तो हो सकता है ये इंसान आपको डेट करना चाहे शुरू में, या आप एक दूसरे को डेट करोगे उसके बाद आपकी शादी होगी. कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी होगा जो आपको डेट पे लेके जाएगा, एक प्राइवेट आपका, जैसे मैंने आपसे कहा मीटिंग होगी उसके बाद आपकी शादी तय होगी. ये आपकी रीडिंग है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय गाइस. हेलो ग्रुप नंबर टू, पाइल नंबर टू, जिन्होंने लॉयल हार्ट चूज़ किया है. तो यहाँ पे एक पावर कपल वाली वाइब आ रही है, किंग एंड क्वीन. ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है. आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल होंगे. आपकी एज 30 प्लस हो सकती है या इस इंसान की जब आप इनको मिलो, या इवन 23 हो सकती है. कुछ लोगों के लिए इवन इससे ज़्यादा भी एज हो सकती है. ठीक है, जब आप इनको मिलेंगे या आपकी शादी होगी इनसे जब. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि आप एक दूसरे, आपकी जो आइज़ हैं वो एक दूसरे पे होंगी. आप इतने लॉयल होंगे कि आपको सिर्फ इनसे प्यार होगा, इनको आपके साथ प्यार होगा. आपका जो हार्ट है वो इनके लिए होगा, इनका हार्ट आपके लिए होगा. ये इस तरह का लॉयल कनेक्शन होगा क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा. आप दोनों को एक दूसरे पे इतना यकीन होगा कि ये मेरा इंसान है, ये मेरा हस्बैंड है, और ये मेरी वाइफ है. इस तरह की एनर्जी आपकी होगी एक दूसरे के साथ. ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे, कब होगी, क्या पर्सनैलिटी आपकी. यार लुक एट दिस केयरिंग कनेक्शन. क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन के बारे में.
एंड द गार्डन एंड द गेट. आपकी 8:30 प्लस हो सकती है. मैंने जैसे कहा 35, 31, 34 आपकी एज हो सकता है. इस एज में आपकी शादी हो, ये भी हो सकता है, या इस इंसान की एज उस वक्त ये हो सकती है. ज़रूरी नहीं है, ठीक है, टाइम टू गो. 40 प्लस भी एज है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए. और मैं इन ऑरेकल्स कार्ड से देखूँगी जो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे मज़ीद आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में बताएंगे और आपके रिलेशनशिप डायनामिक के बारे में. इंटरेस्टिंग. या वी हैव अ ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग. यस, आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आप अभी इनको नहीं मिले, ठीक है. यहाँ पे टाइमिंग है कुछ, आपको वेट है इस इंसान का. यस, रिजेक्शन, लॉस. यहाँ पे है थॉट्स, आइसोलेटिंग. आपको लगता है कि आपकी कभी शादी नहीं होगी, ठीक है. साइकल्स चेंज, कंप्लीशन. आपको लगता है आपकी शादी कभी नहीं होगी, आपको लगता है आप कभी किसी को नहीं मिलोगे. ये एनर्जी आपकी हो सकती है इस वक्त जब आप इस इंसान से मिलेंगे. तब आपको शायद आपने लूज़ कर दिया. मुझे लगता है आप दोनों ही कहीं ना कहीं आइसोलेशन में होंगे. आपको लगेगा कि आप गुड इनफ नहीं हो. इस इंसान को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा. यहाँ पे है सीड्स, स्प्रिंग. तो हो सकता है स्प्रिंग में आपकी शादी होगी. यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है. तो बटरफ्लाइज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बटरफ्लाइज हैं. सो कुछ ना कुछ बटरफ्लाई से रिलेटेड है आपका और स्प्रिंग सीज़न से. आपको पता है जब स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का मतलब भी यही है, बहार. बहार आई तो आप आए तो बहार आई. ये चीज़ मुझे यहाँ पे याद आ रही है इसमें, इस पाइल में. आप आए तो बहार आई. तो इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में बहार आ जाएगी. आपकी लाइफ में जो साइकिल है, टॉक्सिक साइकिल्स हैं या टॉक्सिक आपका जो पेन है या नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने केयरिंग और लविंग होंगे. आप दोनों को ही रिलेशनशिप की ज़रूरत होगी. आप दोनों को ही ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होगी जो आप तलाश कर रहे थे एक दूसरे के लिए, ठीक है. या रीबर्थ एंड विंटर. तो कुछ लोगों के लिए आप इनको विंटर या स्प्रिंग सीजन में आपकी शादी होगी या आप इनको मिलेंगे. यस, विंटर या स्प्रिंग. वी हैव अ लिमिटेशंस, फेयर्स. यस, आप में से एक इंसान या दोनों ही आपको जो है ना अट्रैक्शन, मर्स, हार्ट, डिस्टेंस, रिट्रीट और टाइम आउट. आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में होंगे या आप या लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एस ऑफ वांड्स, मैसेजेस, मर्करी. तो कुछ लोगों के लिए या डिसीजन. मुझे लगता है कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा इस इंसान से मिलने से पहले. आपकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल में रहेगी, साइकिल में रहेंगे आप इस तरह के पैटर्न में. आपको यकीन, आपको लगेगा कि आप अपनी थॉट्स में रहेंगे. आपको लगेगा कि आप इवन इस इंसान को पसंद करते होंगे, या अगर ये इंसान आपको चूज़ भी करेगा, पसंद भी करेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान किसी और वजह से आपके पास आ रहा है. क्योंकि यहाँ पे एक चेंज है, आपका एक साइकिल है जो आपको चेंज करना है. नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है. या हो सकता है ये थॉट्स आपकी पैटर्न है, आपके लिमिटिंग बिलीफ है. आपको लगता है कि शादी कभी नहीं होगी, मुझे कभी मेरा पार्टनर नहीं मिलेगा, सोलमेट नहीं मिलेगा, ट्रू लव नहीं मिलेगा. ये आपकी एनर्जी होगी, टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा. क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में बहुत ही हॉट अट्रैक्शन होगी. मर्स है यहाँ पे, हॉट, पैशनेट अट्रैक्शन, द फायर, द स्पार्क. आप जब इस इंसान को मिलोगे तो आपको लगेगा कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी. और ये इंसान हो सकता है आपको चेंज करने पे मजबूर करे और आपको सोचने पे मजबूर करे कि नहीं, आपको एक्शन लेना चाहिए और आपको इस इंसान को बताना चाहिए कि आप उनको कितना पसंद करते हो या लाइक करते हो, ठीक है. ये भी हो सकता है. हो सकता है शुरू में अट्रैक्शन हो सकता है या क्रश हो सकता है, शुरू में डिवेलप हो क्रश. या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिबर्थ हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है. मतलब आप दोनों ही के लिए रिबर्थ होगी. आप इनको चांस दोगे, वो आपको चांस देंगे. ऑब्वियसली इस तरह का कनेक्शन हो सकता है. लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है. तो अभी आप इनको नहीं मिले हो, या जब आप इनको मिलोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के दरमियान में क्लियरली होंगे. या तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डिस्टेंस फील करोगे. इस इंसान को लगेगा कि वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते. आप वो आपको लगेगा कि आप उनको कुछ नहीं बता सकते इजीली. या आप रिट्रीट टाइम पे होगे, उस वक्त अपने आप को एक रिलीज़ करें और एक रिबर्थ टाइम से गुजरे हो. टाइम टू गो, आप किसी चीज़ को रिलीज़ करो अपनी लाइफ से और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट करो, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा. ये भी हो सकता है कि आप किसी को रिलीज़ करें हो, किसी सिचुएशन को, किसी चीज, बहुत सारी पीछे चीज़ों को छोड़ रहे हैं, पैटर्न को छोड़ रहे हैं आप. हो सकता है आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव भी हो या लाइक भी करते हो, लेकिन आप अपने आप को डिस्टेंस पे रखेंगे. क्योंकि आप इस इंसान के साथ
यू नो क्लोज हो के या करीब नहीं हो पाएंगे, आपकी डिफ़िकल्टी, जैसे मैंने आपसे कहा एक लिमिटिंग बिलीफ, आपको डर होगा कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, ये इंसान आपको यू नो रिजेक्ट कर देगा, आपको पसंद नहीं करता आप इस इंसान, ये इंसान आपके दिमाग में रहेगा और इस इंसान के दिमाग में शायद आप रहोगे, ये भी हो सकता है शुरू में, ठीक है, कि ये कनेक्शन सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ तक रह जाएगा, आपको लगेगा ये ट्रिगर करेगा ये इंसान आपको, या आप इस इंसान को ट्रिगर करोगे। शादी के बाद भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो, एक दूसरे को समझने में डिफ़िकल्टी हो। एक चीज़ मैं बता दूं आपको इस पाइल में, हाँ यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान में बहुत होगी, हॉट होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा, ये हो सकता है, और केयरिंग कनेक्शन होगा शादी के बाद, ये भी हो सकता है कि पार्टनर आपको लेके बहुत ही केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, आपका ख्याल रखना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, वो हर चीज़ करेंगे, लेकिन हो सकता है इमोशनली डिस्टेंस हो या उनको एक्सप्रेस करना ना आता हो, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो आप नहीं बता पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ें आप चेंज करेंगे आपके अंदर भी चेंज होना चाहिए। यहाँ पर टाइम टू गो है, तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों में आपको कम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कम्प्रोमाइज़ का मतलब यह है कि रिलेशनशिप में जब आपको एक केयरिंग कनेक्शन चाहिए होता है, आपको दूसरे की भी परवाह करनी होती है, आपको दूसरे के बारे में भी सोचना होता है, आपको दूसरे इंसान की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना होता है, तो या तो ये आप इनसे सीखेंगे या आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, जो आप एक दूसरे के अंदर ये चेंज लाएंगे, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल होंगे, ये कनेक्शन यहाँ पे लॉयल्टी की बात कर रहा है, तो आप शायद एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे और चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं कि अब आप इनको मिलोगे कैसे। ये ज़्यादातर मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये लेट्स से आप इनको पसंद भी करोगे, तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो शायद आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो इस इंसान को एक्सेप्ट करने में, या आप कुछ और ही अपने फेस से गुजर रहे होगे। लेट्स सी आप मिलोगे कैसे। एयर वॉन्ड्स, यस, आप या तो इनको टाइम टू गो, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी इवेंट पे हो या कहीं और, अपने घर से आप डेफिनेटली दूर ही होंगे, किसी और जगह पे ही होंगे जब आप इनसे मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पे भी आप इनको मिल सकते हैं, या किसी इवेंट पे, या ट्रैवल के थ्रू, या ट्रैवलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एयर वॉन्ड्स, टेम्परेंस, यस, सैजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, तो आप हो सकते हैं इनको नवंबर या दिसंबर में मिलें, विंटर में यहाँ पे है ऑलरेडी, या स्प्रिंग में। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ऐसा लगता है डिवाइन आप दोनों को राइट टाइम पे लेके आएगी, जब आप दोनों रेडी होंगे रिलेशनशिप के लिए, या आप दोनों रेडी होंगे शादी के लिए, जब आप दोनों हील हो जाएंगे स्पेशली, और रेडी होंगे एक वाकई इंटीमेट रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ऊपर वाले को पता है, डिवाइन को पता है कि आप कब रेडी होंगे। आपको लगता है कि शायद आप रिलेशनशिप शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन हो सकता है आप मेंटली अवेलेबल नहीं हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, आपकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। तो जब आप दोनों ही बैलेंस में होंगे और दोनों ही रेडी होंगे इस रिलेशनशिप को, शादी को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तब आप एक दूसरे की लाइफ में आएंगे। ये कनेक्शन काफ़ी डिवाइन सा फील होगा, आपको लगेगा कि डेस्टिनी इस इंसान को आपकी लाइफ में लेके आई है, और पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ रिलीजन, या कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ भी करनी पड़ेंगी, हील भी करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा इस इंसान से, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान का रिश्ता आपके घर आएगा, ठीक है, और आप लोग, ये हो सकता है आप सोच समझ के बहुत टाइम लेके फिर जाके इस इंसान को यस बोलोगे, ये इंसान आपकी लाइफ में लेट आएगा, ये भी हो सकता है। आपको पेशेंटली वेट है कि ये इंसान कब आपको प्रपोज करेगा या आपसे शादी करेगा, ये भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि शादी कब होगी आपके, क्या चांसेस हैं आपकी शादी के, या हेरोफेंट, शादी की जहाँ पे चांसेस स्ट्रांग है, आपकी शादी ट्रेडिशनल तरीके से होगी, जो भी आपका ट्रेडिशन है, कल्चर है, ठीक है, और टॉरस सीजन इंपॉर्टेंट है, तो स्प्रिंग, जैसे मैंने आपसे कहा स्प्रिंग और विंटर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, नज़र आ रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। टॉरस हो सकते हैं इंसान, सनमून राइजिंग या सैजिटेरियस, और कुछ लोगों के लिए मई में हो सकती है, ठीक है, मई में आप मिलेंगे इनको, या मई में आपकी शादी होगी। यस टू पेंटिकल्स, हो सकता है नेक्स्ट टू मंथ्स या नेक्स्ट टू ईयर्स के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट टू मंथ्स या टू ईयर्स के अंदर। आप में से कुछ लोगों को अभी नहीं पता, तो आप अपने आप को रिलैक्स कर दें, आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से चेंज करनी है, हील करना है, रिलैक्स करना है, रिलीज करना है, और ये भी हो सकता है कि आप वेट नहीं करेंगे जब तक आपकी लाइफ में ये होगा, क्योंकि आप अगर वेट करेंगे, घड़ी देखते रहेंगे, टाइम देखते रहेंगे, तब ये नहीं पॉसिबल, ये लगा रहेगा, ये टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही इस टाइम को रिलीज़ कर देंगे कि ठीक है जब होनी होगी हो जाएगी, तब होगी शादी, ये भी हो सकता है, अचानक होगी, सडन होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी। द फूल यहाँ पे ये भी बात करता है, या तो आप शादी के बाद फॉरेन लैंड में जाएंगे इस इंसान के साथ, या ये इंसान कहीं ना कहीं बाहर से होगा, या आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे इस इंसान के साथ, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, आप
घर शिफ्ट कर रहे हैं या आप प्रोफेशनली कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, या आप स्टडी के लिए कहीं जा रहे हैं, जॉब के लिए कहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, तब आप इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी या बात होगी। अब देखते हैं कि या रिश्ता आएगा इस इंसान का, आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ कैसा होगा शादी के बाद, या टाइम अपार्ट, अ टाइम ऑफ सेपरेशन, तो हो सकता है इस इंसान के साथ आपको थोड़ा सा सेपरेशन, अगर ये उन लोगों के लिए जो इनको जानते हैं शायद, या मिल चुके हैं आप ऑलरेडी इनको, तो सेपरेशन होगी, थोड़ा सा टाइम ब्रेक होगा, हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे हो, या आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो जाएगा, आपको रिजेक्शन फील होगी, आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, या ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपसे शादी नहीं करना चाहता, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगेगा कि आप छोड़ के चले गए उनको। वी हैव अ लेट गो ऑफ द पास्ट, ये ऐसा हो सकता है ये इंसान आपके पास आए और आपसे बोले कि पास्ट को छोड़ दो, पास्ट को भूल जाओ, मैंने गलती की या गलतियाँ हुई, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने किसी और सिचुएशन में अभी तक आप अटके हुए होंगे, पास्ट वाली चीज़ों में किसी ने आपको रिजेक्ट किया, मंगनी टूटी, हर्ट हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से आपको इस इंसान को अलाउ करना आने में, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। या मैनिफेस्टिंग द वन, तो हो सकता है आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, जिस तरह का भी आपको पार्टनर चाहिए, ये वो होगा जिसको आपने मैनिफेस्ट किया होगा, प्रे किया होगा आपने, ये और ऊपर वाला आपको देगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा काफ़ी, आपका डिवाइन से स्ट्रांग कनेक्शन होगा, या इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं दुआ में मांगा होगा फ्रीडम। यस, मुझे लगता है कि आप दोनों फ्री करने की ज़रूरत है अपने आप को, इस रिलेशनशिप में भी आपको फ्रीडम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों ही फ्रीडम लवर हैं। यहाँ पे है टीज, यस, इस ये इंसान आपको टीज करेगा, या आप इस इंसान के लिए एक टीज बन जाओगे कि आपको पाना, आपको यू नो प्लीज करना इस इंसान की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाएगा। हीलिंग कनेक्शन, यस, ये कनेक्शन काफ़ी हीलिंग होगा, और आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी शादी के बाद काफ़ी हीलिंग होगा, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बर्निंग डिज़ायर, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो मतलब सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहेगा विद द मैरिज, बर्निंग डिज़ायर, उनको सिर्फ आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी, ठीक है, ड्रीम्स कम ट्रू, तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने ड्रीम में देखा था, या एक आइडियल पार्टनर आपको चाहिए था, और फाइनली ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपको मिल गया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, या आप इस इंसान के लिए एक ड्रीम पार्टनर हो गए, तो ये आप पे गिव अप नहीं करेगा इंसान। अब इस इंसान के लेटर्स और कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। 3 और 4 यहाँ पे है, ठीक है, 3 and 4, एज हो सकती है MY, म्यूज़िक से कुछ हो सकता है X, तो X हो सकता है कुछ लोगों के लिए माई, या तो इंसान को लगेगा कि आप उनके ही हो। FM 7, 3 for 7 में भी मुझे लगता है इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। बाय द वे वी हैव LA, न्यूयॉर्क, DM, तो हो सकता है ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, या आपके DM में आएगा, आपको मैसेज करेगा, ये भी हो सकता है। YXL, आई थिंक दिस इज़ अ ब्रांड नेम, तो ये हो सकता है ये आपके लिए साइन है YXL, आप किसी ब्रांड शॉपिंग या कहीं, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, ठीक है, ये भी आपके लिए एनर्जी है। यहाँ पे CIN, फैन, कुछ लोगों के लिए आपका फ़ैन हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, शायद ट्राई करता रहेगा जब तक आप वेलकम नहीं करोगे। UI, another I, बहुत सारे लेटर्स हो सकते हैं सेम इनके नेम में, ACAV, वैन, टीना, DUAE में भी हो सकता है, वहाँ से है ये इंसान, या आप आर, डॉक्टर हो सकते हैं ये इंसान कुछ लोगों के लिए, डॉक्टर वर्मा, UAG, आप लेटर्स देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल और जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज़।